नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं एटी सिटी पर। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम आज निकले हैं पूना से मंचर के लिए। हमारे एक दोस्त का ऑफिस का इनॉग्रेशन है, तो वहां पर इनॉग्रेशन के लिए जा रहे हैं। मैं अभी आपको मंचर का रास्ता बताऊँगा, रास्ते में कहाँ रुकना है और क्या आपको कहाँ पर ब्रेकफास्ट लेना है, कहाँ पर चाय पीना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं मंचर के साइड। हम लोग निकल चुके हैं मंचर के लिए। हमारे साथ है हमारे मित्र इन्वेस्टको के हेड मिस्टर कृष्णा कुमार जी। कृष्णा सर, हेलो हेलो कीजिए। हेलो। तो कृष्णा सर जी हमारे साथ जा रहे हैं और हम अभी जस्ट यहां से 10-15 मिनट का रास्ता और है, हम लोग पहुंचेंगे मंचर और वहां पर हमारे मित्र सचिन निगुट जी का ऑफिस के बारे में आपको बताएंगे और ऑफिस की जानकारी आपको देंगे। वो वेल्थ मैनेजमेंट के गुण मंचर के लोगों को और पूना के लोगों को सिखा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को खूब प्यार दीजिए और मंचर के ऑफिस में मैं आपको लेके चलता हूँ। ऑलरेडी हम लोग आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं और मंचर के रास्ते में ये एक आकाश मिसल हाउस, बहुत ही स्पेशल और टेस्टी मिसल है यहाँ का। पूना से करीब 50 किलोमीटर के बाद आपको नासिक हाईवे पर ये आकाश मिसल हाउस मिलेगा। यहाँ पर हम लोग रुके हैं अभी नाश्ते के लिए और चाय नाश्ता करने के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। मैं अभी जस्ट हमारा नाश्ता यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया है, अभी यहाँ से आगे निकलेंगे मंचर के लिए। और ये जगह का तो दोस्तों, ये हम मंचर के रास्ते में काफ़ी आगे तक पहुँच आ गए हैं और शायद अभी यहाँ से मंचर पहुँचने ही वाले हैं। मंचर काफ़ी 2-3 किलोमीटर है यहाँ से, तो हम मंचर प्रवेश कर रहे हैं। मंचर एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जो कि महाराष्ट्र का नगर पंचायत है। अंबेगांव तालुका के अंदर ये नगर पंचायत है। ये देखिए, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, राइट साइड में गोवर्धन मिल्क प्रोडक्ट फैक्ट्री यहाँ पर है, जहाँ पे काफ़ी सारा मिल्क प्रोडक्शन होता है और काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो कि पूना में और आसपास के शहरों में पहुँचाए जाते हैं। तो जब भी आप मंचर आएँ, कृपया इस फैक्ट्री का टूर भी ज़रूर करें। आगे हम चलेंगे, मंचर बस स्टैंड पहुँचने वाले हैं। मंचर बस स्टैंड के पास ही हमारे मित्र सचिन निगुट जी का ऑफिस है। हम वहां पर पहुंच के आपको उनके ऑफिस का टूर भी करवाएंगे। मंचर, दूसरी चीज़, मंचर खास इसलिए भी है क्योंकि मंचर के आसपास में 3 बड़े बड़े विलेज हैं जो कि कलम, पिंपल गांव एंड लांडेबाड़ी, जो कि मंचर के द्वारा ही, मंचर नगर पंचायत के द्वारा ही गवर्न किए जाते हैं। और यहाँ से मंचर से आप ख़ास इसलिए भी है क्योंकि मंचर के आगे नासिक है और मंचर से लेफ़्ट साइड जाएंगे तो आप ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है, वहां भी पहुंच सकते हैं। तो चलिए, हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं जहां हमें जाना है, मैं आपको मिलवा लूँगा। ये लीजिए, हम लोग पहुँच चुके हैं गौरी फिनसर्व के ऑफिस में। अभी हम ऑफिस के अंदर आप लोगों को लेके चल रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है। आगे देखिए, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ लिखा गया है, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर बताई गई हैं। तो आप लोग कभी भी आएँ यहाँ पर, ये गौरी फिनसर्व का लोगो है, काफ़ी खूबसूरत लोगो लग रहा है। यहाँ पर इनके फैमिली के मेम्बर हैं और कुछ फ्रेंड्स लोग भी। नमस्ते सचिन जी, ये सचिन जी हैं, इनके साथ हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, इंटरव्यू करेंगे इनका। तब तक मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर ऑफिस दिखाने के लिए। ये जो है कृष्णा, और फोटो सेशन चल रहा है हमारे साथ अंदर। फोटो सेशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग चल रहे हैं अंदर। ये पूजा है, भगवान जी के दर्शन कीजिए, आज ही यहाँ पर पूजा हुआ है। इसके अंदर मैं सबसे लास्ट में लोगों ने बनाया है रेस्ट रूम, इनकेस अगर किसी को थोड़ा बहुत रेस्ट करना है लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ये सचिन जी का खुद का रूम है और बाहर जो है रिसेप्शनिस्ट टेबल बनाया गया है। अभी हम यहाँ पर सचिन जी के साथ इंटरव्यू करेंगे। आइए सचिन जी, आपका इंटरव्यू हम लोग करेंगे। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं सचिन निगुट जी के ऑफिस में। गौरी फिनसर्व इनके ब्रांड का नाम है। सचिन जी जो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, MFD, यहां पर एडवाइस वगैरह कुछ नहीं किया जाता है। और ये देखिए, इन्वेस्टको म्यूचुअल फंड से कुछ बेस्ट बिजनेस कंपनी आया हुआ है। सचिन जी, आप यहां पर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं इन्वेस्टर्स को?
बेसिकली अशोक सर थैंक यू, जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसके लिए पहले हम उसको थैंक यू बोल लेते हैं। बट म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा आउटलेट जो या मंचर में अभी तक किसी ने बेसिकली कंसेप्ट दी नहीं थी, तो हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे। म्यूचुअल फंड की जितने सारी कंपनीज है उनके लिए हम काम कर रहे हैं, जैसे आपके यूटीआई के लिए, हमारे इन्वेस्टर के श्री कृष्णा आए उनके लिए, और बाकी सारे सारे 40-40 प्लस जो म्यूचुअल फंड कंपनियां उनके लिए भी काम करते हैं। उनके लिए भी काम कर रहा। म्यूचुअल फंड के अलावा क्या क्या सर्विसेज हैं? म्यूचुअल फंड के अलावा हमारा टर्म इंश्योरेंस का बिजनेस बहुत बड़ा है, इंश्योरेंस, उसके बाद हम कैपिटल बॉन्ड भी दे रहे हैं। गुड। और भी सर्विसेज ऐड होती जाएंगी जैसे जैसे आगे। और फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड कोई भी सर्विस की जरूरत पड़ती है तो आप इस ऑफिस में, गौरी फिनसर्व के ऑफिस में जरूर आइए। और ये जो है गौरी फिनसर्व का लोगो देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत लोगो बनाया गया है। आप यहाँ का एड्रेस बताइए सर, कहाँ पे है? मंचर, पोस्ट मंचर, मंचर में आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर नियर संस्था, इजीली आपको अवेलेबिलिटी हो जाएगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र नासिक रोड पर, नासिक को जाते हुए कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये? त्रिमूर्ति प्राइड, त्रिमूर्ति प्राइड में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर गौरी फिनसर्व का ऑफिस है। अगर आपको म्यूचुअल फंड, बॉन्ड से रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ भी इशूज हैं, आपको सर्विसेज का इशू है, तो आप इस ऑफिस में आकर और अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं सचिन जी का नंबर इस वीडियो में नीचे शेयर करूंगा, और आप लोग यहाँ पर आए जरूर विजिट करें एक बार इनकी सर्विस। चलिए दोस्तों, मंचर का टूर पूरा हुआ है। मंचर से अगर आप लोग कभी मंचर आते हैं तो मंचर से ही आप भीमा शंकर का भी टूर कर सकते हैं। भीमा शंकर में, भीमा शंकर का टेम्पल, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर, और यहाँ पर एक गुप्त भीमा शंकर भी है जो कि अगर आप देखना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, तो एक मेरे फ्रेंड का चैनल है ट्रैवल अनसीन करके, तो वहाँ पर इन दोनों जगह को कवर किया गया है। तो कृपया आप लोग ट्रैवल अनसीन में जाकर उन जगह के बारे में देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पता कर सकते हैं, और भीमा शंकर भी जाके अपना टूर कंप्लीट कर सकते हैं।